बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त और उनकी बहन प्रिया दत्त रविवार को मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सावलिया सेठ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित श्री सावलिया जी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो दोनों पहुंचे। संजय दत्त ने इस दौरान दर्शन कर प्रभु से प्रार्थना की। इस दौरान जैसे ही संजय दत्त मौके पर पहुंचे, वहां उनके प्रशंसकों की भीड़ लग गई। दोपहर 12 बजे वो उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उतरे और सड़क मार्ग के जरिए मंदिर पहुंचे। उन्होंने सावलिया मंदिर आश्रम में 2 घंटे बिताए। इस दौरान उन्होंने मंदिर के इतिहास की भी जानकारी ली। इसके बाद वो 2:15 बजे मंदिर पहुंचे, लेकिन तब तक पट बंद थे। पट बंद होने के चलते वो 15 मिनट तक एकाग्र शीश झुकाए बैठे रहे, जिसके बाद उन्होंने विधि विधान के साथ सावलिया जी पूजा की और प्रशंसकों से मिलने के बाद मुंबई लौट गए। मिली जानकारी के अनुसार अचानक संजय दत्त के पहुंचने से प्रशंसकों के चेहरे पर खुशी आ गई। लोगों का उत्साह यहां पर देखने वाला था। लोग उन्हें फिल्मी नामों से पुकारते रहे। यहां कोई उन्हें संजू तो कोई उन्हें खलनायक पुकारता हुआ नजर आया। इसी तरह उनका स्वागत किया गया। साथ ही लोग काफी देर तक अपने चहेते स्टार को निहारते रहे। इस दौरान मंदिर मंडल की ओर से संजय दत्त और उनकी बहन का उपरना ओढ़कर स्वागत किया गया। जानकारी में आया है कि संजय दत्त के किसी करीबी ने उन्हें सावलिया सेठ की महिमा के बारे में बताया था। इसके चलते वो सीधे मुंबई से हवाई यात्रा कर उदयपुर के डबोक पहुंचे। यहां से कार में सावलिया जी पहुंचे, सावरा सेठ से दर्शन कर पुणे डबोक से मुंबई के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ के मंडफिया स्थित श्री सावलिया सेठ का मंदिर करीब 450 साल पुराना है। मेवाड़ राज परिवार की ओर से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मंडफिया मंदिर कृष्णधाम के रूप से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। श्री सावलिया जी मंदिर का भंडारा हर महीने अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्थी को खोला जाता है। इसके बाद अमावस्या का मेला शुरू हो जाता है। पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।